हिमाचल प्रदेश में 30 अक्टूबर को हो रहे तीन विधानसभा क्षेत्रों के बाई इलेक्शंस यानी उपचुनाव और एक लोकसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के भारत के निर्वाचन आयोग ने और यहाँ इलेक्शन डिपार्टमेंट ने राज्य के काफी तैयारियां की हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1950 नंबर की एक हेल्पलाइन जारी की गई है। इससे कोई भी दिव्यांग मतदाता या 80 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो वोट डालने जाना चाहता है उसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि अगर वो व्यक्ति जो है एडवांस में इस नंबर पर सूचना दे देता है और अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में जानकारी दे देता है तो उसको घर से लाने और मतदान केंद्र तक और वापस छोड़ने के लिए सरकार वाहन की व्यवस्था भी करेगी। ये उनके लिए है जो कि दिव्यांगता के कारण से ठीक से चल नहीं सकते हैं या जिनको दिखाई नहीं देता है, दृष्टिबाधित है या 80 साल से ऊपर के जो व्यक्ति बुजुर्ग हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति ब्लाइंड हैं, दृष्टिबाधित हैं, उनको एक वोटर स्लिप ब्रेल में दी जाएगी और सूचनाएं भी उनको ब्रेल में वहां उपलब्ध कराई जाएंगी और जो ईवीएम होगी ईवीएम पर ब्रेल का चिन्ह बना होगा जिससे वो स्वयं बिना किसी सहायता के वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा जो पोलिंग बूथ है सरकार की और चुनाव विभाग की कोशिश है कि वो सारे हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन शिमला सिरमौर और किन्नौर में चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।